Hi everyone, first of all good morning to all of you, so welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज जो हम MCQs डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि आपका पार्ट वन रहेगा और इसके साथ मैं आपको बता दूँ ये JKPSI क्या सिलेबस है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको बता दूं JKPSI की बात करें तो उसमें 1200 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला आपके लिए. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लेक्चर नंबर वन रहेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको कंटिन्यू और सीरीज कंटिन्यू करूँगा. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसमें हम कोशिश करेंगे JKPSI की सिलेबस को कवर करने की. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ. जो गवर्नर होता है स्टेट का उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और मगर किसकी एडवाइस पे किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, वाइस प्रेसिडेंट की एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे या चीफ जस्टिस की एडवाइस पे. सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर. यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे किया जाता है गवर्नर को अपॉइंट. ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे. सो मैं आपको बता दूं गवर्नर जो होता है स्टेट का इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर इनका टाइम पीरियड कितना रहता है? फाइव ईयर. फाइव ईयर टाइम पीरियड रहता है और जे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर. यानी कि प्रेजिडेंट के पास पावर्स होती है गवर्नर को हटाने की. ठीक है, जो ओनली इंडियन सिटीजन ही गवर्नर बन सकते हैं, मगर उनकी एज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एज के बारे में आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो एज जो है मैं आपको बता दूं ओनली 35 इयर्स या उससे ज़्यादा वाली एज वाले पर्सन ही एलिजिबल हैं किसके लिए? फॉर अपॉइंटमेंट टू हिज ऑफिस, यानी कि गवर्नर बनने के लिए. तो ओनली इंडियन सिटीजन, ठीक है, ओनली इंडियन सिटीजन यहाँ पर बन सकते हैं. सो 35 ईयर ये आपको एज याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एज. और जहाँ से मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, जहाँ से ऐसे पूछे जाएंगे द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस पे किया था? प्राइम मिनिस्टर की. जब आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए फिर आपको क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है कि उनकी एज टेन्योर कितना रहता है, तो एज टर्म रहता है 35 ईयर. ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर, ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू. अगर प्रेजिडेंट को इस्तीफा देना होता है, रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो किसको देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट को, वाइस प्रेजिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे वाइस प्रेजिडेंट, ऑप्शन सी वाइस प्रेजिडेंट. यानी कि प्रेजिडेंट को जब भी अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होता तो वो किसको देगा? वो वाइस प्रेजिडेंट को देगा. ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर वट पीरियड डज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस. यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है? ठीक है, फाइव ईयर रहता है, टिल द 65 ईयर्स आर वी, सिक्स ईयर या टू ईयर्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन फाइव ईयर यानी कि ए. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कितनी देर के लिए रहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं ऑफिस में रहते हैं और टोटल फाइव ईयर के लिए, यानी कि फाइव ईयर के लिए ये रहते हैं. करंट वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे श्री वेंकैया नायडू, और मैं आपको बता दूँ जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अगर हम बात करें राज्यसभा का वो चेयरमैन होगा. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो भी होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है. करंट में अगर हम बात करें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सिक्स ईयर का टर्म मैं आपको बता दूँ, जब जम्मू कश्मीर में 370 और आर्टिकल 35A थे तो उस समय जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो MLA बनते थे उनका जो टर्म रहता था वो सिक्स ईयर रहता था. यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म था सिक्स ईयर आफ्टर द रिमूवल ऑफ 370 एंड 35A. अब जो टर्म टाइम पीरियड रहता है जम्मू एंड कश्मीर में जो MLA का टाइम पीरियड रहेगा वो फाइव ईयर रहेगा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड फाइव ईयर रहेगा. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट. यानी कि इसमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं या ऐसी कोई है जो कि प्रेसिडेंट की प्लेजर से ही रह सकते हैं, ठीक है, ऑफिस में रह सकते हैं. ठीक है, यानी कि इनको जब चाहे प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है. गवर्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है या प्राइम मिनिस्टर है. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए, गवर्नर. ठीक है,
गवर्नर होते हैं वो उनको जब चाहे प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को नहीं कर सकते हैं। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, इनको अपॉइंट, ये इनके अगर हम बात करें इनके इलेक्शंस वगैरह होते हैं, इनको सिर्फ लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो वोट कास्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते ही हो पहले से। सो ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द इमोलूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो पेमेंट ऑफ इमोलूमेंट्स हैं ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें से कौन से ट्रू नहीं है। दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या वो फाइनेंशियल इमरजेंसी में इनकी जो है इमोलूमेंट्स ऑफ द पेमेंट जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, क्या इसको बजट में सेपरेटली शो किया जाता है। दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया, क्या ये चार्ज किए जाते हैं कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया से। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सेक्शन, इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट सेक्शन की जरूरत नहीं होती है। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ इमोलूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपने लिखा ट्रू नहीं है, यानी कि बाकी वाली सभी ट्रू हैं, फर्स्ट सेकंड और डी पार्ट। तो मैं आपको बता दूं कंटीजेंट फंड जो अगर हम बात करें कंटीजेंट ऑफ फंड क्या होते हैं, कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया एक ये इमरजेंसी फंड है, ये नेशन के लिए एक कंट्री के लिए एक इमरजेंसी फंड है, कंस्टिट्यूटेड किया गया था। ये आपको मैं बता दूं यहाँ पे आर्टिकल्स आपको याद करना बहुत जरूरी है, ये कंस्टिट्यूटेड है अंडर आर्टिकल 267A, ठीक है, सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे। द कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया यूज्ड एट अ टाइम, इसको कब यूज किया जाता है, वेन देयर इज अ क्राइसिस, यानी कि जब कोई क्राइसिस होते हैं, जब कोई संकट होता है तब इसको यूज किया जाता है इन द नेशन के लिए, ठीक है, नेशन के लिए इसको तब यूज किया जाता है। और नेचुरल कैलेमिटी में आपातकालीन अगर कोई कैलेमिटी आती है फिर उस वजह से, इंस्टेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अब मनी इज रिक्वायर्ड टू डील विद, ठीक है, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, अर्थक्वेक हो गया या कुछ उस तरीके के हो गया, जब बाढ़ फ्लड वगैरह आ गई, तो उसके लिए इस मनी को यूज किया जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कंटीजेंट फंड विद द कॉर्पस ऑफ 500 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया में आपको जहां से क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको बता दूं ये इमरजेंसी फंड है और आर्टिकल 267 में इसका बारे में मेंशन है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोकसभा राज्यसभा, कितने होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं, 14 होते हैं या 12 होते हैं। देखिए मैं आप जहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये लोकसभा और राज्यसभा आपको देखने को मिलेगी, पार्लियामेंट के दो हाउसेज लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा की बात करें तो मैं आपको बता दूं 550 और जहां पे मैं आपको बता दूं 245। आप देख सकते हैं यहां पे 545 इसके मेंबर्स होते हैं और 245, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे। अब जहां पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए 545 जो होते हैं लोकसभा के मेंबर, इसमें से प्रेसिडेंट जो है इनको नॉमिनेट करते हैं कितने, ओनली टू मेंबर्स, जिसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कितने होते हैं लोकसभा से, 2, राज्यसभा के 245 में से 12 मेंबर्स, 245 में से कितने हो गए 12 मेंबर्स, 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बाकी 233 के इलेक्शंस होते हैं, 233 प्लस 12 245, और इसमें 543 के इलेक्शंस होते हैं, यानी कि एमपी जो इलेक्शन लड़ते हैं इसमें 2 प्लस कर दो, इसमें 245 हो गए। तो मैं आपको बता दूं 2 जहां से और 12 जहां से, टोटल देखो 14 का आंसर है, ये ऑप्शन देख सकते हैं आंसर 14, यानी कि टोटल मेंबर ऑफ जो नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा वो होते हैं 14। सो आंसर रहेगा आपका 14, ये आप देख सकते हैं लोकसभा से 2, राज्यसभा से 12 मेंबर, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रोल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। तो उसमें से आपने बताना कि इसमें से कौन से जो है, कौन से इसमें जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कंस्टिट्यूट नहीं है इलेक्ट्रोल कॉलेज फॉर इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं प्रेजिडेंशियल इलेक्शन के लिए। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे MLA, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल्कुल ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बिल्कुल गलत है। इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 370 और 35A के बाद जहाँ से मॉडिफिकेशन करते हुए इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो होते हैं वो उनको बोलते हैं MLC, और लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, MLA, ठीक है। यानी कि आप जम्मू कश्मीर में आपको MLC देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ MLA देखने को मिलेंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही आपको जहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में। अगर हम दो यूटीज़ की बात करें, दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो MLAs होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में। यानी कि इसमें पार्ट डी जो है वो गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से ट्रू कौन सा है, ट्रू नहीं है ये हमें करना चाहिए। अगर यहाँ से बोलते हैं इसमें से ठीक कौन से हैं, तो आपको सभी देखने को मिलेंगे ये सारे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, वो ऑफिस में रह सकते हैं, एंजॉय द सपोर्ट, किसकी सपोर्ट से, मिनोरिटी या मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मिनोरिटी या मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, या मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये देख सकते हैं ऑप्शन डी रहेगा इसका राइट आंसर। जहाँ पे किसी भी अगर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में लोअर हाउस की जो मेजोरिटी ज़्यादा होगी, मेजोरिटी रहेगी मेंबर्स की, तो वहाँ पे जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिमेन इन ऑफिस। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको जहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट के, जैसे मैं आपको बता दूँ, ठीक है, अगर जहाँ से ये पार्लियामेंट का जो हाउस है, अगर हम बात करें लोकसभा का, तो अगर ये डिजॉल्व हो गया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मेजॉरिटी जो होनी चाहिए मेंबर ऑफ लोअर हाउस की पार्लियामेंट की, ठीक है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमेन इन ऑफिस रहना, यानी कि रिमेन इन सपोर्ट रहना, तो इनकी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, और अपर हाउस किसको बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, ठीक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, लोकसभा मैंने जहाँ पर बताया, राज्यसभा, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 6 ईयर रहता है, लोकसभा का टाइम पीरियड रहता है 5 ईयर। जैसे कि आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कौन से मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम वोट देते हैं डायरेक्टली, इनके वोट होते हैं, मगर इनके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा को वोट देते हैं MLA, ठीक है, MLA वोट देते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं MLA वोट देते हैं वोट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाती है। चीफ ऑफ द आर्मी, बिल्कुल चीफ ऑफ द आर्मी जो होती है वो बिल्कुल अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये गलत है, स्पीकर जो लोकसभा है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। चीफ जस्टिस जो इंडिया का है उसको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और चीफ ऑफ एयर फोर्स जो है इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑप्शन बी जो है इसका रॉन्ग है, बाकी सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। देखिए जो स्पीकर होता है, अगर हम बात करें स्पीकर जो इलेक्टेड होता है, ये फर्स्ट मीटिंग जो होती है लोकसभा की, तब इसको इलेक्ट किया जाता है फॉलोइंग जनरल इलेक्शन। इसका टाइम पीरियड रहता है 5 ईयर, और स्पीकर जो होता है ये किसके द्वारा किया जाता है,
मेंबर ऑफ लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं उसके द्वारा इनको चूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट्स अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। सो पॉइंट, हु अपॉइंट्स अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो आंसर रहेगा प्रेसिडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, अगर हम बात करें फर्स्ट लेक्चर था। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज करवाऊंगा, इसके जितने भी हमारे जेके पी एस आई के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका सिलेबस होगा तो सारा का सारा कवर करने की कोशिश करूंगा। पॉलिटी के जितने भी मैं तकरीबन आपको काफ़ी डीप से पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन है वो निकले ना। तो ये था आज का हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।